वेलकम टू शिवम कोटेचा ब्लॉक्स। आज हम महा कंपेरो करेंगे मारुति इनविक्टो वर्सेस टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोनों में ही आपको 2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जिसकी पावर है 183 bhp और टॉर्क है 188 Nm और मोटर की पावर है 206 Nm। वहीं आपको इनविक्टो में नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा, वहीं आपको हाई क्रॉस में नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। और वारंटी की बात कर लेते हैं दोनों की, तो वहीं आपको मारुति इनविक्टो में 2 ईयर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, वहीं आपको हाई क्रॉस में 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। वहीं आपको हाई क्रॉस में वारंटी ज़्यादा मिलेगी। तो अब चलो दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आपको इनविक्टो की प्राइस है 24,79,000 और टॉप मॉडल की कीमत है 28,42,000 एक शोरूम। तो अब हाई क्रॉस के प्राइस की बात कर लेते हैं, तो 18,55,000 और टॉप मॉडल की कीमत है 29,99,000 एक शोरूम। तो चलो अब दोनों के सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। तो वहीं आपको हाई क्रॉस के बेस वेरिएंट से ही ABS विथ TBD, डुअल एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल्ट असिस्ट और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। तब चलो मारुति इनविक्टो के सेफ्टी फीचर देख लेते हैं। तो इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग, ABS विथ TBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे। और आपको हाई क्रॉस में एडास मिल जाएगा, वहीं आपको इनविक्टो में एडास का फीचर नहीं मिल पाएगा। तो चलो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो वहीं आपको दोनों में ही LED हेडलैम्प मिल जाएंगे, लेकिन इनविक्टो में आपको बिल्कुल न्यू ग्रिल मिलेगी और दोनों में ही आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। और आपको हाई क्रॉस में LED फॉग लैम्प मिलेंगे, लेकिन आपको इनविक्टो में LED फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे। तो चलो साइड की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इनविक्टो का बेस वेरिएंट लेते हैं या टॉप मॉडल लेते हैं, इसमें आपको 17 इंच के ही टायर मिलेंगे। वहीं अगर आप हाई क्रॉस का बेस वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 17 इंच के टायर मिलेंगे और अगर इसके आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको 18 इंच के टायर मिलेंगे। तो चलो रियर की बात कर लेते हैं। तो रियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। तो चलो इंटीरियर देख लेते हैं। वहीं आपको हाई क्रॉस में 8 स्पीकर मिल जाएंगे JBL के, वहीं आपको इनविक्टो में 6 स्पीकर मिलेंगे नॉर्मल। वहीं आपको दोनों में ही रियर की सीट कैप्टन सीट मिलेगी, आपको इनविक्टो की सीट मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। वहीं आपको हाई क्रॉस की सीट पावर एडजस्टेबल मिलेगी और इसमें आप थाई सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं और आराम से लेट के जा सकते हैं। ये फीचर आपको इनविक्टो में नहीं मिल पाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मारुति इनविक्टो अच्छी लगती है या इनोवा हाई क्रॉस अच्छी लगती है।